हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड क्या है और कीबोर्ड कैसे वर्क करता है व्हाट इज़ कीबोर्ड द कीबोर्ड इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का विदाउट की वी कैन नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर बिना की के हम कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते इट इज़ इनपुट डिवाइस ये एक इनपुट डिवाइस है इसके थ्रू ही हम कंप्यूटर को इनपुट भेजते हैं इट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर ये कम्युनिकेशन करता है यानी कि मेल मिलाप करता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस ये सबसे सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है इट इज़ बेसिकली अ डिवाइस सिमिलर टू अ टाइपराइटर ये टाइपराइटर के समान ही चलने वाला डिवाइस है हाउ डज़ इट वर्क ये काम कैसे करता है इट वर्किंग प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल इसके काम करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है थ्रू इज बटन प्रजेंट इट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आर सेंड टू द सी पी यू ऑफ द कंप्यूटर इसकी काम करने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है इसमें जो प्रत्येक बटन होते हैं उसको दबाने से उस बटन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर के सी पी यू को भेजे जाते हैं व प्रेसिंग एनी की ऑन द कीबोर्ड द सेम्बल रिटर्न ऑड इट गोज़ टू द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड देन इट अपेयर्स ऑन द स्क्रीन यानी कि कीबोर्ड पर किसी भी की को दबाने से उस पर लिखा हुआ चिन्ह जो होता है सेम्बोल कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है और फिर वह स्क्रीन पर दिखता है अंडर इच की ऑन द कीबोर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच कीबोर्ड में मौजूद जो हर एक की के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा हुआ होता है वैन विच वैन प्रेस्ड जनरेट्स इलेक्ट्रॉनिक पल्सेज अकॉर्डिंग टू द लेटर कोड डेट दूटर कैन अंडरस्टैंड की मौजूद हर एक के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा हुआ होता है जिसके दबाने से अक्षर के कोड के अनुसार बिजली के पल्स पैदा होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है सम कीबोर्ड आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू डिज सचे लैपटॉप कुछ कीबोर्ड जो होते हैं वो डायरेक्टली लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से जोड़ दिए जाते हैं बट मैनी कीबोर्ड आर पेरीफेरल डिवाइस डेट कैन बी कनेक्टेड टू अ लैपटॉप वायरलेसली लाइक यू एस बी केबल और ब्लूटूथ पर कुछ जो कीबोर्ड होते हैं वो पेरीफेरल uh, डिवाइसेस होते हैं जो कि ब्लूटूथ के द्वारा या फिर यू एस बी केबल के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं फ्रेंड्स अभी हमने जाना कीबोर्ड क्या था एंड ये कैसे काम करता है और इसे किस तरीके से जोड़ा जाता है अब जानेंगे हम कीबोर्ड में कौन कौन से की होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं ये हमारा कीबोर्ड है और हम इसमें जानेंगे कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं फर्स्ट रो में जो होता है हमारा एफ़ F1 वन से एफ़ ट्वेल्व तक ये फंक्शन कीज़ कहते हैं इनको हम एंड नेक्स्ट वन टू थ्री जो काउंटिंग है एंड उसके नीचे ए बी सी डी है जिसे अल्फ़ाबेटिक बोलते हैं इसको पूरे को बोलते हैं अल्फाबेटिक कीज़ यानी कि इसमें अल्फ़ाबेटिक भी हैं और नंबर जो की होती हैं वन टू थ्री काउंटिंग वो भी हैं इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक नुमैरिक कीज़ नेक्स्ट है पंचुएक्शन कीस पंचुएक्शन कौन सी होती हैं जैसे सिंबल यानी कि चिन्ह जैसे कोमा हो गया फुल स्टॉप ग्रेट दैन लेस दैन क्वेश्चन मार्क सेमी कॉलम डबल कोमा ये सारे जो होते हैं जो भी चिन्ह होते हैं इन्हें पंचोक्षण कीज के होते हैं नेक्स्ट है नेविगेशन कीज नेविगेशन कीज जो होती हैं जो फ्रेंड्स हमारे ये एरोज हैं जैसे अपर ऊपर को एरो है फोर एरो दे रखे हैं ये लेफ़्ट एंड राइट अप डाउन ये सारे जो एरो होते हैं इनको कहते हैं नेविगेशन कीज़ एंड इनको भी बोलते हैं जैसे इंसर्ट होम पेज अप पेज डाउन डिलीट एंड इन सब को भी बोलते हैं नेविगेशन कीज़ स्पेशल कीज़ कौन सी होती हैं स्पेशल कीज़ होती हैं टैब हो गया शिफ्ट बैक स्पेस एंटर स्पेस बार ये सब जो होती हैं हमारी स्पेशल कीज़ होती हैं कंट्रोल कीज़ होती हैं जैसे स्केप कंट्रोल विंडो ऑल्ट ये सब हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं एंड राइट साइड पर कीबोर्ड के राइट right साइड पर नंबर कीज़ दे रखी हैं इनका यूज़ ये भी नंबर कीज़ होती हैं लेकिन इनका यूज़ डाटा एंट्री के लिए किया जाता है लगभग सारे कीज़ के बारे में हम जान चुके हैं कीबोर्ड की बस एक चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है वो हम अभी जानेंगे जिसे बोलते हैं इंडिकेटर लाइट्स इंडिकेटर लाइट्स जो होती हैं वो थ्री हैं कीबोर्ड में तीन तरह की इंडिकेटर लाइट्स होती हैं नंबर लॉक स्क्रोल लॉक एंड कैप्स लॉक जब आपके कीबोर्ड में फर्स्ट लाइट ऑन हो तो इसका मतलब ये होता है नूमेरिक कीपैड यानी कि ये वन टू थ्री काउंटिंग वाला नूमेरिक कीपैड चालू है अगर ये बंद है तो इसका मतलब ये होता है कीज ऑफ बंद है सेकेंड लाइट जो है वो कैप्स लॉक यानी कि अपर केस एंड लोअर केस के बारे में बतलाती है अगर सेकेंड लाइट ऑन है आपकी तो जो आपकी टाइपिंग होगी वो अल्फ़ाबेट कैपिटल में आएगा अगर आपकी लाइट ऑफ है तो आ, आपकी टाइपिंग होगी जो स्मॉल लेटर में होगी एंड लास्ट है इसक्रोल लॉक इसका यूज़ एक्सेल में होता है जब आप इसक्रोल लॉक ऑन करेंगे तो आपके जो फोर ये एरोज़ हैं नेविगेशन ये वर्क नहीं करेंगे एक्सेल में फ्रेंड्स कीबोर्ड का हिंदी मीनिंग होता है कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड को हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं फ्रेंड्स स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं बाकी इसकी जो कंपनियाँ हैं वो अलग अलग हैं तो उसमें संख्या ज़्यादा भी होती है लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ होती हैं Yeah. you